हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं ये जो गंदा सा किचन का वीडियो क्यों आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज का वीडियो तो वही है, किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था तो मैं आज कुछ अप्पे वगैरह और उसके लिए चटनी बना रही थी, तो किचन का हालत कुछ ऐसा हो गया था। और जिस दिन कुछ तामझाम वाला ज़्यादा वाला कुकिंग कुछ बना देती हूँ तो पूरे किचन का हालत कुछ ऐसा हो जाता है। तो इसलिए अभी जैसे नवरात्रि वगैरह भी आ रहा है तो किचन को अच्छे से मुझे क्लीन करना था, तो मैं और थोड़ा बिगाड़ के रख दी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं किचन की पहले क्लीनिंग से। तो पहले बर्तन वगैरह सारे उठा के रख देंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे सारे माँज के भी रख दी हूँ, क्योंकि ये सारे बर्तन माँज देंगे तो किचन बिल्कुल ही खाली हो गया है, क्योंकि सारे फैला पड़ा था, थोड़ा सा बस अरेंज करना था। क्योंकि आपको ये सारे क्लीनिंग विलिंग इतने सारे मैं आपको शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा भी होगा और ये सारे देख देख के आप भी बोर हो जाओगे। उसके बाद ये गैस की राइट साइड का कॉर्नर है, तो यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे सारे क्लीन करके अरेंज करेंगे। और यहाँ पे आपको सर ये शो कर रही हूँ कि देख सकते हो मैं सारे ये जो कंटेनर है ये सारे फ्री के कंटेनर है, जैसे ये हो गया सेजवान चटनी की और ये सारे है अचार की। तो इसमें तो मैं कुछ कलर नहीं क्यों, जो अचार वाले कंटेनर है और उसमें मैं जो सेजवान की चटनी है उसमें मैं इनामेल पेंट की, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लू कलर मिला के थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप का कलर करके यहाँ पे पेंट की हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं लेवल कर दी हूँ, जो देखो कि देखने में बिल्कुल मार्केट जैसा एक कंटेनर लग रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग से। तो क्लीनिंग के लिए मैं कुछ डेव क्लीनर वगैरह कुछ यूज़ नहीं की हूँ, सारे छोटा थोड़ा सा कहीं कहीं पर विम लिक्विड का यूज़ की हूँ, सर ये जो डिश वॉशर लिक्विड है वो यूज़ की हूँ, और उसके बाद कहीं पे किचन क्लीनर की यूज़ की हूँ। और किचन क्लीनर से ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, आपको ज़्यादा तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे पहले अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद जितने भी कंटेनर हैं वो सारे यहाँ पर अरेंज करके रख देंगे। आप वेस्ट सामान से भी रियूज करके भी बहुत अच्छे से घर हो या किचन हो वो कुछ भी आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मेरा हर वीडियो में यही कोशिश रहता है कि मैं भी अपना अगर घर को डेकोरेट कर सकते हो बिना पैसा खर्च किए, तो आप भी अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो और जैसे होता है ना पोल्यूशन फ्री भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होता है कि हम ऐसे बेकार सोच के फेंक देते हैं, लेकिन वही चीज़ हमारे घर के लिए बहुत अच्छा चीज़ बन के तैयार हो जाता है। देख सकते हो ये सारे कंटेनर हमारा फ्री का है, लेकिन मार्केट जैसा कंटेनर की तरह ही लग रहा है। आप सभी को इसका जो आइडिया है कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। ये जो लेवल भी की हूँ ना, ये वॉलपेपर को कट करके यहाँ पे बस मार्कर से लिखती हूँ, जो कि देखने में और भी अट्रैक्टिव लग रहा है, ताकि मेरे हस्बैंड जब भी काम करे उनको भी पता चले कि इसकी कौन से कंटेनर में क्या रखी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैस क्लीन कर रही थी, तो गैस के कमरे पर ये देखी तो इसका जो व्हाइट सीमर है वो छूट गया है, तो इसको भी फिल करना काफ़ी ज़रूरी है। ये सारा आपको जरूर बीच बीच पर आपको देखना है, नहीं तो ये सारी चीज़ों में ना क्या होता है पानी वगैरह या कुछ जाके ना ये खराब हो जाते हैं, और इसमें से आपका कीड़े कॉकरोच वो सारे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे मैं वॉलपुटी ली हूँ, जो कि थोड़ा ज़्यादा ड्राई नहीं है और ज़्यादा पानी भी नहीं है, थोड़ा सा ठीक सा पेस्ट करना है और इसके अंदर आपको फिल कर देना है। और इसको अच्छे तरीके से आपको अगर हाथों में कुछ प्रॉब्लम है तो आप ग्लोव्स या पन्नी वगैरह रैप करके भी आप फिल कर सकते हो। तो मुझे इतना इजी नहीं लगा, तो जैसे पन्नी वगैरह रैप की थी लेकिन मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, कंफर्टेबल नहीं लगा, तो यहाँ पे मैं हाथों से ही यहाँ पे क्या क्यों फिल करती हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको लेवल करना है ताकि फिनिशिंग आए और देखने में थोड़ा अच्छा लगे। छोटे मोटे काम आप घर के अंदर ऐसे ही कर सकते हो, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ मैं खुद से घर का कुछ कुछ रिपेयर वगैरह मैं अपने हाथों से ही कर दूँ, ताकि मेरा पैसा भी बच जाए और घर भी टाइम टू टाइम मैनेज होकर रहे। तो यहाँ पे पानी का अच्छा देख सकते हो बहुत तरीके से यहाँ पे सारे लेवल हो गया है। उसके बाद जितना भी जो एक्स्ट्रा जो सीमेंट लगा हुआ है ना उसको भी आपको गीले कपड़े से साफ़ करना है हाथों हाथ, नहीं तो ये ड्राई होने के बाद थोड़ा सा साफ़ करने में थोड़ा दिक्कत होगी और थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसीलिए हाथों हाथ आप ऐसे क्लीन कर दोगे तो बहुत ऐसे क्लीन भी हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देख सकते हो बहुत अच्छे से क्लीन भी हो गया है और बहुत अच्छी तरीके से ये फिल होके देखने में सही भी लग रहा है। उसके बाद आगे हम गैस की, गैस को तो बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे क्लीन कर दी थी, लेकिन ये जो होता है ना थोड़ी बहुत जैसे चाय वगैरह गिर जाता है, कभी दूध गिर जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे जला हुआ होकर इसमें चिपक जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, यहाँ पर थोड़ी बहुत ये चिपका हुआ था, तो इसको मैं नाइफ की मदद से यहाँ पर हटा रही हूँ ताकि दो सारा अच्छे से साफ हो जाए। आप सब ये जो चीज़ गैस में ऐसे थोड़ा सा अगर कुछ दाग लग जाता है तो आप कैसे साफ करते हो कमेंट में जरूर बताएंगे। तो मैं तो ऐसे ही साफ करती हूँ, जब भी ज़्यादा थोड़ा दाग होता है तो मैं नाइफ की मदद से कर लेती हूँ या नहीं तो स्क्रबर की मदद से निकाल लेती हूँ। स्क्रबर से ही अच्छे से निकला नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर नाइफ की हेल्प ली।
और गैस को भी बहुत ऐसे के से मैं गैस की कुकटॉप को अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। उसके बाद आगे हमारा जो लेफ़्ट साइड का वो गैस की लेफ़्ट साइड की कॉर्नर पे जो कि मेरा फेवरेट कॉर्नर है, क्योंकि राइट साइड तो यह बहुत तरीके से अरेंज कर दी हूँ। अभी चलिए लेफ्ट साइड को अच्छे से अरेंज करेंगे। जितने भी सामान है वो पहले निकालना है, क्योंकि कहीं भी चीज़ को अच्छे से अरेंज करने के लिए आपको सारे चीज़ को अच्छे से निकाल के उसके बाद अच्छे से क्लीन करके उसके बाद अरेंज करना है, ताकि आपका आपको थोड़ा सा लगेगा कि आप थोड़ा सा कुछ नया की हो और देखने में भी अच्छा लगेगा, आपको लगेगा हाँ क्लीन भी है। तो यहाँ भी मैं अच्छे तरीके से उसको क्लीन कर दूँ। ये तो मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती ही हूँ, लेकिन थोड़ा सा होता है ना, जब भी आप अच्छे से अरेंज करो और डेकोरेट करो तो क्लीन कर दोगे ना और भी अच्छा लगता है, चाहे आप इसमें कुछ अलग से कुछ ऐड करो या ना करो। अच्छे से क्लीन करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अरेंज करने की। तो ये जैसे मैं बोली ये टाइम टू टाइम तो क्लीन करती हूँ, इतना गंदा नहीं हुआ था। ऊपर की तरफ यहाँ पे एक कैटल रखी हूँ जो कि गर्म पानी के लिए ज़रूरी है, अब विंटर भी आ रहा है तो काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद डेकोरेट करने के लिए अभी आर्टिफिशियल प्लांट रखी हूँ। उसके बाद जो नीचे वाले सेक्शन में हम सेल्फ में ये जो टी कॉफ़ी और शुगर का कंटेनर रखेंगे, लेकिन ना ये देख देख के मुझे थोड़ा सा बोर लग रहा था, तो मैं सोची इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दूँ। और पहले सोची सारे में कलर करूँ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है और मुझे मन भी नहीं कर रहा था इसका कलर थोड़ा अभी चेंज करूँ। तो यहाँ पे मैं बस सिंपल सा, मेरे पास एक ग्रे कलर का नेल पेंट था, उसी के साथ ही मैं यहाँ पे पोलगाट बना रही हूँ। आप भी अगर कुछ लुक चेंज करना चाहते हो, चाहे ढक्कन का या कंटेनर का, तो आप ऐसे ही सिंपल सा नेल पेंट का, कलर वगैरह कुछ भी नहीं है ना, तो आप नेल पेंट के साथ भी ऐसे पोलगाट बना सकते हो। देखने में इसका लुक बहुत ही जल्दी फटाफट चेंज हो जाएगा। देख सकते हो ये कितना अच्छा लग रहा है। और मैं ये ना थोड़ा सा होम सेंटर में एक कंटेनर देखी थी ऐसे ही, तो वो बिल्कुल सेम जैसे पोलका डॉट बना होता, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं उसी में इंस्पायर होकर यहाँ पे थोड़ा सा इसका लुक चेंज की हूँ। आप सभी को कैसा लगा इसका आइडिया कमेंट सेक्शन जरूर बताना फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे टी शुगर और कॉफ़ी तो इतना मैं जरूर भर के रखती नहीं हूँ इतने बड़े कंटेनर में, इसी में इसलिए क्या की हूँ सॉल्ट रख दी हूँ। उसके बाद जो नीचे वाला सेक्शन है इसमें हम सारे चाय रिलेटेड सामान रखेंगे, जैसे कॉफ़ी हो गया, शुगर फ्री पाउडर हो गया, इलायची, काली मिर्च, बहुत सारे मैं यहाँ पे रखी हूँ। यहाँ पे दो कप रखी हूँ जबकि सुबह की चाय के लिए ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे कुकीज़ रखी हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस खाली था तो यहाँ पे घी की कंटेनर रखी हूँ, क्योंकि छोटे किचन में स्पेस को तो खाली छोड़ना नहीं चाहिए, जितने भी हो सके आप इस स्पेस को यूज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे और एक मेरे पास ब्रोकन कप था, उसी को और कभी ऐसे कुछ DIY करने का क्लेप भी बच गया था, तो उसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे डिटेलिंग कर दी हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे कलर करना भी बाकी है लेकिन अभी कुछ नहीं की हूँ, उसमें नाइफ वगैरह रख रही हूँ। और यहाँ पे खुद का DIY है जो कि खाने में क्या बनाऊँ, हमेशा हमारी जो औरत के लिए होता है ना, हाउसवाइफ के लिए, हमेशा हाउसवाइफ क्या ये सारे लेडीज़ के लिए यही टेंशन होता है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे रख दी हूँ। जब भी देखती हूँ थोड़ा सा एक स्माइल आ जाती है, तो यहाँ पे वो रखी हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं किचन की फाइनल लुक, कैसे लग रहा है मेरा किचन और पूरा किचन का टूर मेरा, मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए बस आप जितना मेरा हो सके मैं मतलब कैसे ऑर्गेनाइज की वो चीज़ ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक मतलब एक खिड़की था, तो जो कि मैं इसको बहुत से यहाँ पे यूटिलाइज की हूँ, और बहुत सारे सामान मेरे इसमें आ जाते हैं, जैसे देख सकते हो ऑयल की बॉटल्स हो गया, यहाँ पे कोटनी हो गया, और ये जो लहसुन रखी हूँ वो जार हो गया, बहुत सारे हूँ। और यहाँ पे मैं एक हैंग की हूँ, मेरा एक खुद का DIY वाला ये हैंगिंग वाला वुडन प्लैंक, और उसके बाद खुद का DIY। और इसको कलर को थोड़ा सा कवर करने के लिए मैं यहाँ पे वॉलपेपर का स्टिक की हूँ। उसके बाद आगे ये काउंटर टॉप में जितने भी मैं आपको सर ऑर्गेनाइज करने के टाइम शेयर की थी, कंटेनर वगैरह, चाय रिलेटेड, कॉफ़ी रिलेटेड बहुत सारे सामान यहाँ पे अरेंज की हूँ, और सारे कैबिनेट को अच्छे से साफ भी कर दी हूँ। और पिछले दिवाली में मैं ये लाइट लगाई थी जो कि अभी तक चल रहा है और काफ़ी देखने में अच्छा भी लग रहा है, एट्रैक्टिव भी लग रहा है। बाकी जो भी मेरा जो DIY कंटेनर है बहुत सारे अरेंज की हूँ। और यहाँ पे यूटेंसिल जो भी रखती हूँ ना बर्तन वगैरह धोने के बाद, बहुत सारे जब ड्राई होता है मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि काउंटर टॉप खाली रहे, देखने में स्पेशियस लगे। उसके बाद जो सिंक एरिया है इसमें एक स्वीट बॉक्स के अंदर ही मैं यहाँ पे लिक्विड और जो पीताम्बरी पाउडर रखी हूँ, और सारे जो स्क्रबर वगैरह हैंग करने के लिए एक ही मेरे खुद का DIY वाला हैंगिंग वाला यूज की हूँ। अब इससे कुछ लगता है मेरा ये किचन। आप सभी को कैसा लगा जो काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन आइडिया कमेंट सेक्शन जरूर बताएं फ्रेंड्स। जितने जरूरी है नीडेड है वही सारा अरेंज करके ही मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर की हूँ। बाय।